इधर दे दो। आज तीसरे दिन के ट्रैक के बाद आज चाय और बंद का आनंद लेते हुए सभी दोस्त लोग चाय की चुस्की लेते हुए गरम गरम चाय के साथ बंद का मजा। ये आप देख सकते हैं बंद की हालत क्या हो रखी है। ये उत्तरकाशी से यहाँ पहुँचते बंद की हालत ये होगी है। अरे भाई यार जवान जी इधर दो एक। अरे भाई यार बंद यार बंद ये देख लो ऐसे टूट पड़े हैं बंद भाई की। सर कहाँ से हो आप लोग? गुजरात से। सर गुजरात से कितने मेंबर हो आप लोग? हम तीन लोग हैं गुजरात से। अच्छा आपका जो कैंप है कहाँ तक जाएगा आज? आज तो अब देखते हैं धर्मशाला पहुँचते हैं कि नहीं। अच्छा सर इसमें टेंट लगा के ले जाएंगे। आज आप आए हैं कुशकल्याण से? कुशकल्याण से। तो आपको कैसा लगे बुग्याल? बहुत अच्छा लगा। मतलब सरकार से क्या चाहेंगे आपकी सरकार इसको प्रमोट करे पर्यटन के क्षेत्र में? प्रमोट करे तो क्या है रास्ता है वगैरह है वो थोड़ा अच्छा कर दे। जी 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 बिल्कुल। तो फिर अच्छा रहेगा सबके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा कठिन है पर सबके लिए अच्छा होगा बाद में। तो बढ़िया है बुग्याल अच्छा है। बुग्याल अच्छा है। धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सर हो रहा है अभी तक। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं छानियों में चाय चल रही है और अभी लगभग 7 या 8 किलोमीटर बचा हुआ है और 2 दिन का ट्रैक हम कर चुके हैं। बहुत ही प्यारा ट्रैक। 1 दिन 10 किलोमीटर और 1 दिन 15 किलोमीटर चले हैं। बहुत ही बढ़िया लगा। छानियों में व्यवस्था पूरी थी और इतनी हाइट पे आज से पहले मैं गया नहीं हूँ। बहुत बढ़िया बुग्याल है। मैं तो चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर सभी आएँ और हमारे साथी यहाँ पर सब लोग अभी थक चुके हैं चाय पी रहे हैं और इसके बाद आगे सहस्त्रताल तक जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो संजय भाई मैं आपको पूछना चाहूँगा आपका कौन सा डे चल रहा है आज और कहाँ से आपने ट्रैक स्टार्ट करा था? ये हमारा आज 3रा दिन है और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था सिल्ला से। सिल्ला एक बहुत ही प्यारा गाँव है। आप लोग सिल्ला से पहले आप पहुँचेंगे बुग्याल पर और बुग्याल से पहुँचेंगे बैसिंगा। बैसिंगा से फिर ये तीसरे दिन का ट्रैक होगा आपका सहस्त्रताल तक। और सहस्त्रताल जैसी जगह शायद ही कहीं आपको मिले है ना। और बाकी सब बढ़िया है अभी तक। सब बढ़िया चल रहा है और आगे अभी देखें बस मौसम साथ दे सब बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। चलो धन्यवाद संजय भाई। अभी हमारे साथ और मेंबर भी हैं। अभी अर्णव भाई हैं। अर्णव भाई से पूछना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके जो भी कुशकल्याण बुग्याल और सहस्त्रताल बुग्याल में आप आए? सबसे पहले मैं अपने ताऊ जी विनोद भाई और रवि भाई इनका धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए।
और बाद बाकी कुश कल्याण बुग्याल 2 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ बहुत बड़ा बुग्याल है कुश कल्याण, और क्यार की भी बहुत सुंदर बुग्याल है। क्यार की बुग्याल इतना बड़ा बुग्याल है कि मुझे लगता नहीं कि, बोलते तो हैं हम कि ये जो हमारा कौन सा बुग्याल जो चमोली में पड़ता है हमारा कौन सा बेदनी बुग्याल, हम बोलते हैं बेदनी बुग्याल, पर एक बार आप क्यार की बुग्याल आइए आपको तब पता चलेगा यहाँ की सुंदरता का। बहुत सारे फूल हैं और मिनी वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं इसे। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे फिर फेन कमल, नील कमल, ब्रह्म कमल सब दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे फूल दिखेंगे जो आज तक अभी तक किसी ने नहीं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं कुकली टॉप पे, यही जो सहस्त्रताल की सबसे कठिन चढ़ाई है। ये कोहरा इधर लग चुका, अभी इसको पार करके आकाश भाई और मैं अभी टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ हमारे मेंबर पिछ रहे हैं जिनको थकान महसूस हो रही है थोड़ा, और कुछ आगे निकल गए हैं कैंपिंग करने के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे आते हैं अपने पितरों के नाम से यहाँ पर एक पत्थर मतलब यहाँ पर खड़ा करके आगे की ओर ही यात्रा करते हैं। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर बहुत सारे पत्थर यहाँ पर खड़े करे हैं। एक कुकली के टॉप के ऊपर का नज़ारा आपको दिखा सकते हैं हम, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अच्छा कर दें और सब जो यात्री हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, सबकी रोजगारी बढ़ेगी और सब अच्छा होगा। तो इसीलिए सरकार से यही निवेदन है थोड़ा इस रास्ते पर ध्यान दे और सही करे तो सबकी यात्रा सब मंगलमय हो। स्टे का जी जी। बहुत बढ़िया है यहाँ की जो एटमोस्फियर बहुत ही बढ़िया है जी जी। हमें गुजरात में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है लेकिन यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा जी। इससे पहले आपने कहीं पर ट्रेक करा इतना बड़ा बुग्याल में? पहला ट्रेक आपका। चलो धन्यवाद आपको, शुभ यात्रा आपकी। शुक्रिया। धन्यवाद।